वेलकम टू टिक टेक्निक जुलाई 14, 2023 में चेन्नजान थ्री सक्सेसफुली लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट कॉस्ट था 650 करोड़ पर इतना कम कॉस्ट में कैसे मिशन कंप्लीट हो पा रहे हैं ज्यादातर नासा का जो मून प्रोजेक्ट होता है उसका कॉस्ट 8.1 बिलियन तक पहुंच जाता है इसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करे तो सिक्सटी करोड़ हो जाता है कैसे इतना बजट डिफरेंस होने के बाद भी इंडियन साइंटिस्ट ने इतना कम खर्चे में कैसे सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट कर रहा है असल में हमारा इसरो साइंटिस्ट ने बहुत एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कोई भी स्पेस मिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल इस फ्यूल को कैसे कम खर्चा करके स्पेस मिशन कंप्लीट कर सकते है इसलिए एक फॉर्मूला निकाला है हमारे अर्थ के बाहर स्पेस में जिसमे सेटेलाइट रहता है उसको ऑर्बिट बोलते है बहुत ही आसानी ऐसी ऑर्बिट में अर्थ के बाहर चारों तरफ घूमते हैं इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होता क्योंकि इसमें मूवमेंट टर्न और ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट काम करता है हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने दिमाग लगाया और कम फ्यूल में कैसे कम्प्लीट हो सके इसके लिए फ्यूल को प्लानिंग करके अप्लाई करना चालू कर दिया जब रॉकेट स्पेस में पहुंच गए हैं तब ऑर्बिट के इन टाइम बूस्ट करना लगा इससे क्या होता है कम फ्यूल यूज करके रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है इसके बाद मून ऑर्बिट से एंड सर्कल के टाइम स्पेसशिप का स्पीड मैनेज करके मून के ऑर्बिट में क्रॉस करते करते मून पे रॉकेट जाके लैंड होता है इसलिए चंद्रयान मिशन की बात करे तो इसमें थ्री मुख्य भाग था पहला लोनर ऑर्बिटर जिनके माध्यम से अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक पहुँचाना दूसरा था लैंडर जिनके नाम है विक्रम इनका काम था सॉफ्ट लैंडिंग कराना तीसरा भाग विक्रम के अंदर जैसे कि लैंडर के अंदर एक रोबर भी था जिसका नाम है इसका काम था मून को सरफेस को 14 दिन के अंदर अच्छे से रिसर्च करना इस मिशन का पूरा प्रोसेस काम करता है पहला जो कि रोबर रिसर्च करके जिसको हम प्रोड भी बोल सकते हैं, वो डेटा को कलेक्ट करके लैंडर को भेज देता है फिर लैंडर उस डेटा को लूनर ऑर्बिटर के थ्रू पृथ्वी तक पहुंचाते हैं चंडेजन टू मिशन इंडिया के लिए बहुत बड़े अचीवमेंट था क्योंकि ये लॉन्च करने के बाद मून की सरफेस तक ये पहुंच गए थे आज भी चांद के ऑर्बिट में ये घूम रहा है जिससे डेटा को कलेक्ट करके इसरो साइंटिस्ट को आज भी ये भेज रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज के लिए इस मिशन में लैंडर और रोवर कम्प्लीट लैंड नहीं कर पाया असल में हुआ कुछ ऐसा लूनर ऑर्बिटर लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए जगह ढूंढ रहा था और जगह डिटेक्ट करने के बाद ऑर्बिटर से लैंडर अलग हुआ मून पे लैंडिंग करने की टाइम ऑर्बिटर से लैंडर को कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ था लूनर ऑर्बिटर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो जगह ढूंढ रहा था उस जगह से 100 मीटर दूर जाके लैंड करने की कोशिश किया जिसके कारण वो जगह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए परफेक्ट नहीं था और ये सॉफ्ट लैंडिंग करने की जगह क्रैश लैंडिंग हुआ लैंडर के अंदर जो रोबर्ट था और लैंडर भी इसमें लैंडर और रोबर्ट दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गया इस चंड्रजन थ्री मिशन में लैंडर और रोबर्ट दोनों लॉन्च हो रहा है क्यूँकी चंडेजन टू मिशन में लूनर ऑर्बिटर ऑर्बिट तक भेज चुका है जो की लूनर ऑर्बिट में आज भी अच्छे से काम कर रहा है इसके लिए नए ऑर्बिटर को पेशना उधर जरूरत उतना नहीं है पहले जो लैंडर चंद्रजन टू में लॉन्च किया था उस लैंडर से इस लैंडर के कंपेयर में ये बहुत पावरफुल है इसमें बहुत सारे न्यू फीचर एड किया है इसमें एक फीचर जैसे की ऑटो पायलट लैंडिंग इससे बेसिकली क्या होगा लैंडर से लूनर ऑर्बिटर का कनेक्शन टूट भी गए ये अच्छे से ऑटोमेटिकली लैंड कर सकता है रूबर्ट चांद के सरफेस में जब करेगा करेगा उस सरफेस को बहुत अच्छे से रिसर्च करेगा, जिसमें की से रिसर्च जिसमें की फोटो खींचेगा इसके साथ साथ चांद का जो टेम्परेचर है वो कैसे वेदर है उस वेदर में क्या क्या है ये डिटेक्ट करेगा वो चांद को मिट्टी को भी लेकर उसका अंदर देकर वो अच्छे से रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करके हम लोगों को भेजेगा कोई भी स्पेस मिशन के टाइम ज्यादातर इंडियन को एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि वो इतना पैसा स्पेस मिशन में खर्चे करने की जरूरत है जिसमें इंडिया में इतने गरीबी अभी तक है तो आपको बता दे रॉकेट लॉन्च करने से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होता है कल को कोई पड़ोसी देश इंडिया में मिसाइल गिरा के इंडिया का करोड़ों का प्रॉपर्टी खत्म करने की कोशिश करेगा सेटेलाइट के थ्रू बहुत ही आसानी से हमको पता चल जाएंगे इंडिया में कोई मिसाइल हमला हुआ है इस को इंडिया में आने की हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे इसमें इंडिया में कोई आज भी नहीं डाल पाएंगे दूसरा फायदा आपको बता दें बेटर इंटरनेट स्पीड के लिए सैटेलाइट को बहुत ज्यादा जरूरत होता है तो इसमें हमको सैटेलाइट बहुत हेल्प करता है इंटरनेट स्पीड को कैरी करने के लिए तीसरा फायदा कोई भी सैटेलाइट के थ्रू समुन्द्र में हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएंगे तो सैटेलाइट के थ्रू इस इंफॉर्मेशन हमारे को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा जिससे हम प्रोटेक्शन लेके एक बड़े सारे हादसा को रोक पाएंगे न देर से हमारे इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते कमेंट कर सकते हैं चाहे तो आप दोस्त लोग को शेयर कर सकते चाहे तो टिक टेक्निक को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वीडियो बना के अपलोड करेंगे।